रविवार यानी 24 फरवरी को होने वाली एनटीटी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जिसमें 24,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से 22,000 अभ्यर्थियों की डिग्री पर सीधे बड़ा सवाल निशान खड़ा हो गया है। आखिर ये डिग्रियां आई कहां से, जबकि राज्य में यह कोर्स 2010 में ही बंद हो चुका था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है, जिसमें राजस्थान में 2010 में पूर्ण रूप से कोर्स बंद हो चुका है और कुल 2754 एनटीटी अभ्यर्थियों ने ये योग्य कोर्स किया था, जबकि बोर्ड के अनुसार आवेदन संख्या 24,000 से अधिक है। आखिर में ये 22,000 आवेदन आए तो कहाँ से आए, जब राजस्थान में कोर्स ही बंद हो चुका है तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कहाँ से आए। ये फर्जी अभ्यर्थी है और सरकार इस मामले को दबा के बैठी है। बोर्ड और महिला बाल विकास विभाग इस पे चुप्पी क्यों साध रखा है? अगर बोर्ड पहले ध्यान देता है तो आवेदन संख्या लेने से पहले इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर में परीक्षा कल होने जा रही है, बोर्ड ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, इससे जो योग्य अभ्यर्थी है वो अपने को ठगा सा महसूस।